हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज डिमांड। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप डिस्कस करेंगे, और ये माइक्रो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी इन डेप्थ स्टडी जो है वो अपन इस चैप्टर की करेंगे। इस चैप्टर को अपन किस तरीके से कवर अप करेंगे, पहले मैं उसका प्लान जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट ऑफ डिमांड क्या होते हैं। इनके चार पांच फीचर होते हैं कि कोई डिजायर होना चाहिए, गिवन टाइम होना चाहिए, गिवन प्राइस होनी चाहिए, गिवन क्वांटिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू परचेज होनी चाहिए, वो सब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देन आपका आएगा लेवल ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितने टाइप की होती है। इंडिविजुअल डिमांड मिस्टर ए की डिमांड है, और मार्केट डिमांड ए बी और सी सबकी डिमांड का टोटल है। तो इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। डिमांड शेड्यूल के सर इनको टेबुलर प्रेजेंटेशन देनी है, वही इंडिविजुअल डिमांड के लिए होगा तो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, और मार्केट के लिए होगा तो मार्केट। ठीक है, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है डेटा की, टेबुलर प्रेजेंटेशन। देन है डिमांड कर्व, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, वही इंडिविजुअल की अलग, मार्केट की। आप देख रहे हैं इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट, हर चीज का इंडिविजुअल का अलग होता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, मिस्टर ए, एक जने की डिमांड अगर अपन चेक कर रहे हैं, और एक पूरे मार्केट की ए बी सी डी कितने भी एन नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं उनका भी डिमांड अपन चेक कर सकते हैं। इन सब की डेफिनेशन क्या होगी, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 देन 5 पॉइंट आपका आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। एक इंडिविजुअल डिमांड जो है एक जने की, मिस्टर ए की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इनकी डिमांड पे फर्क डालते हैं, जैसे प्राइस। ऑब्वियस है, यदि किसी चीज की प्राइस जो है बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो चीज महंगी हो गई तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड कम करोगे, और यदि किसी चीज की प्राइस कम हो जाएगी यानी वो सस्ती हो जाएगी तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड पर असर डालते हैं, तो हम उनको भी जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। देन आपका आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट, क्योंकि वही दो टाइप का है ये भी आपका। अब आ गया मार्केट डिमांड, तो मार्केट की डिमांड पर क्या फर्क डालते हैं, तो इसमें सारे फैक्टर ये तो है, प्लस साथ में 3 फैक्टर और जुड़ जाएंगे तो मार्केट की डिमांड बन जाएगी, तो अपन वो भी अलग से डिस्कस करेंगे। देन पॉइंट नंबर 6 आपका आएगा डिमांड फंक्शन, कि डिमांड फंक्शन के बारे में, उसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो डिटरमिनेंट्स है ना, इसी के बेसिस पर एक आपका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा इन्हीं के लिए, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के ऊपर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट। ये बेसिकली ये क्या बताएगा डिमांड फंक्शन, ये बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शन से बनाए फंक्शनल रिलेशनशिप। सही है, अलग अलग है, ये बताता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये फंक्शनल रिलेशनशिप। अलग अलग वर्ड्स हैं, आपको अपने डेफिनेशन में ये वर्ड लिखने पड़ेंगे, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे। देखिए, बोर्ड की कॉपी जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे ने वो कीवर्ड्स लिखे हैं या नहीं, अगर कीवर्ड नहीं लिखे ना तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी डेफिनेशन बनाओ लेकिन उनमें ये वर्ड्स होने चाहिए, अगर ये वर्ड नहीं हुए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सही है, आगे है पॉइंट नंबर 7 लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड कब ऑपरेट करता है, ये रहा लॉ ऑफ डिमांड आपका, यही वाला आपका यहाँ काम आ जाएगा। किस तरीके से इसका यूज करेंगे, इसका डायग्राम बनेगा, इसका शेड्यूल बनेगा, वो सब चीजें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर इसके अजम्पशन आएंगे, सर लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा जब ये अजम्पशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर अजम्पशन सेटिस्फाई होंगे तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, कि अदर गुड्स के पैसे चेंज नहीं होने चाहिए, इनकम का लेवल चेंज नहीं होना चाहिए, इसके अलावा फैशन चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन को यहाँ मिलेगा। देन हम कहेंगे सर ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्यों ऑपरेट होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में कई बार आया है, और ये बेसिक रूल है पूरी इकोनॉमिक्स का, कि डिमांड का रूल एप्लीकेबल क्यों होता है ये भी अपन देखेंगे। सही है, देन आएगा सर ये लॉ ऑफ डिमांड तो बन गया लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है, यस देयर आर सम एक्सेप्शंस, उन एक्सेप्शन पे अपन बात करेंगे, ये वो चीजें होंगी जिन पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा,
उस पर लॉ ऑफ डिमांड चीजें नहीं चलती कि सर प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड कम होगी, ऐसा मेडिसिन में कैसे होगा? लाइफ सेविंग मेडिसिन है, महंगी मिल रही है तो क्या आप नहीं खरीदोगे? फिर मर के करोगे भी क्या? तो सीधी सी बात है, वहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहां पर काफी सारे एक्सेप्शन, उनको अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चेंज इन डिमांड, डिमांड में कम या ज्यादा, इंक्रीज या डिक्रीज, इसको कहते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू प्राइस। तो ये किसके कारण होता है? प्राइस के कारण। इसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें दो डायग्राम बनेंगे, सही। देन आपका पॉइंट नंबर 11 आएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये होता है प्राइस के कारण नहीं, ये तो प्राइस के कारण होता है, ये होता है अदर फैक्टर्स के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सही है, इन सब चीजों के कारण। फिर आपका आएगा सब्सिट्यूट गुड्स, सब्सिट्यूट यानी जिनको आप सब्सिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हो, जैसे टी और कॉफी। भाई आपके घर पे कोई आया तो पहला प्रपोजल आप टी का रखोगे, वो कहेगा कि मैं टी नहीं पीता, तो ठीक है कॉफी पी लो क्योंकि सब्सिट्यूट है उसका। तो उसके बारे में क्या डायग्राम होंगे और क्या थ्योरी है विद एग्जांपल अपन देखेंगे। नंबर 13 आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो साथ में काम आती है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ये दोनों हमेशा साथ में ही काम आएंगे। तो इनका क्या रूल है, इनका क्या डायग्राम बनेगा, वो चीज अपन यहां देखेंगे। देन आपका आएगा काइंड ऑफ डिमांड, इसमें काफी सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग टाइप की डिमांड्स होती हैं, तो 8-10 टाइप की डिमांड्स विद डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा रोड मैप है कि इस चैप्टर में अपन किस तरीके से एंटर होंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये सब चीजें मैंने नोट्स में लिख दी है, ठीक है। वीडियो के साथ आपकी PDF फाइल है, आप उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है, उसका प्रिंटआउट निकाल के अपने सामने रखें। देन आप मेरा पूरा वीडियो जो है नोट्स का मैं बनाऊंगा, उसमें आप उसके साथ साथ चलें, अंडरलाइन करें, कोई अच्छी चीज है उसमें लिखें, कोई अच्छा एग्जांपल है उनको लिखें और उस चीज को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब आगे के वीडियोज में जो है वो अपन नोट्स में इसका पूरा डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन टॉपिक जो कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, देखिए सबसे पहले तो डिमांड किसको कहते हैं। जैसे मैं एक एरोप्लेन खरीदना चाहता हूँ, अब एरोप्लेन खरीदना मेरी इच्छा तो है लेकिन मेरी कैपेसिटी में नहीं है, तो यहाँ क्या कि आपके पास सफिशियंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए उस डिमांड को करने के लिए। तो किसी डिमांड में एक तो सबसे पहले आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास सफिशियंट मीन्स यानी रिसोर्सेज होने चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आप कौन सी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और कब खरीदना चाहते हैं, टाइम पीरियड, ये पांचों कंटेंट जब होंगे ना तब फिर वो एक इफेक्टिव डिज़ायर कहलाती है, उसी को हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दोज ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, वो खरीदना चाहता है एट वेरियस प्राइसेज, जो प्राइसेज हैं एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सही है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 5 रुपये की प्राइस पर आप डिमांड करते हैं 1 की, यदि प्राइस गिरकर 4 हो जाती है तो आप डिमांड करते हैं 2 की, और ऐसे ही आपकी प्राइस गिरकर 3 हो जाए तो आप डिमांड करते हैं 3 की। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है आपकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो यहाँ गिवन प्राइसेस भी हैं, है ना, और डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड भी यहाँ लिखा है ना, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दोज ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, वेरियस क्वांटिटीज, ये वेरियस क्वांटिटीज हो गई, वेरियस प्राइसेज हो गई, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे खरीदेंगे, तो ये आपकी क्या कहलाती है, डिमांड। ओके, तो डिमांड में ये 5 कंटेंट होने जरूरी हैं, ओके। और ये वेरियस प्राइसेस पे जो आप डिमांड कर रहे हैं इसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, जो प्राइस के कारण इफेक्टेड होती है उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती है आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जैसे ही आपकी प्राइस कम होती है आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, सही है। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप का मैटर जो है वो आपका रहता है, सही है। तो ये आपकी क्वांटिटी डिमांड थी जो मैंने आपको बताई। लेवल ऑफ डिमांड भी 2 होते हैं, एक तो होते हैं इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किसको कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड मीन विलिंगनेस ऑफ फॉर ए कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर, बाय अ कंज्यूमर विच ही इज एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस।
जो एक बायर है वो कितनी कमोडिटी किस प्राइस पर कब खरीदना चाहता है ये उसके लिए है। मार्केट डिमांड बाय ऑल द बायर या बाय ऑल द कंज्यूमर की बात हो रही है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की डिमांड है जबकि मार्केट डिमांड सभी कंज्यूमर्स की डिमांड है, सही है। अब ऐसा कैसे होता है वो आप देखें इस शेड्यूल में, मैं आपको दिखाता हूँ। ₹5 की प्राइस पर ए की डिमांड थी एक, बी की डिमांड थी दो, दोनों को ऐड कर दें तो ये मार्केट डिमांड निकलेगी, दैट इज 3। जब प्राइस ₹4 यानी प्राइस कम हो गई तो ए की डिमांड भी बढ़ गई, बी की डिमांड भी बढ़ गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो टोटल हो गई 2+3, 5। तो मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल की जो डिमांड्स हैं उनका टोटल ही क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड कहलाता है। ओके, इसके बाद आपका आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, इसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। वेरियस प्राइसेस और वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड, इसी को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। डेफिनेशन में देखें, डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट, ये टेबुलर स्टेटमेंट है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, आपकी वेरियस क्वांटिटी दिखाएगा, वेरियस क्वांटिटी दिखा रहा है, ऑफ ए कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, अलग अलग प्राइसिंग लेवल है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये एक पीरियड होगा, एक टाइम गिवन होगा उसके अंदर है। तो कीवर्ड्स हैं याद करना है, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है, वेरियस क्वांटिटीज हैं, लेवल ऑफ प्राइसेस हैं, गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, इसी को क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप का होता है। नंबर वन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जो ए की डिमांड के बारे में हमको बताता है। मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, उनकी प्राइस और क्वांटिटी की डिमांड का क्या शेड्यूल है वो हमको बता रहा है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो इंडिविजुअल की ए और बी की जो डिमांड है उनको ऐड करके पूरी डिटेल दे रहा है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू ए टेबुलर स्टेटमेंट, टेबुलर स्टेटमेंट है, शोइंग वेरियस क्वांटिटी दिखा रहा है, ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, है ना, वो खरीदना चाहते हैं, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, अलग अलग प्राइस लेवल है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको आप भी अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, आप वहाँ डेफिनेशन चाहे कुछ भी बनाएं लेकिन उनमें कीवर्ड्स की लाइंस जरूर से होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। देन आता है डिमांड कर्व। अब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं। ये है डिमांड कर्व, जो आपने ऊपर डिमांड शेड्यूल देखा था उस डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफिकल कर्व बना दे। तो इसे डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल ग्राफ पेपर पर है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, जो डिमांड शेड्यूल आपने ऊपर देखा था उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी इन रेफरेंस टू डिफरेंट प्राइसेस, जो कि हमको डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट प्राइसेस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे, वही आपका डिमांड कर्व कहलाता है। ये डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। जो एक इंडिविजुअल की आपकी प्राइस और क्वांटिटी को बता रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जैसे यहाँ भी ये इंडिविजुअल की बता रहा है, देखो डिमांड ऑफ ए डिमांड ऑफ बी, और ये बता रहा है मार्केट का, है ना, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ₹1 की प्राइस पर इसके 5 क्वांटिटी, इसकी 6 क्वांटिटी है, लेकिन इसकी कितनी है 11, तो इसकी 5 है, इसकी 6 है, लेकिन इसकी कितनी है 11, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका जो कर्व होता है ना वो फ्लैटर है, इसलिए यहाँ लिखा है कि जो डिमांड ऑफ मार्केट है उसका कर्व ए और बी की डिमांड के कंपैरिजन में फ्लैटर है, ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसके अंदर। तो एक तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड, ये तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और ये मार्केट डिमांड कर्व है, सही है। तो अब ये बनता कैसे है वो अपन देखते हैं। तो देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये आपको एक डिमांड शेड्यूल दे रखा है जिसमें वेरियस प्राइसेस दे रखी है, वेरियस क्वांटिटी दे रखी है, क्वांट डिमांडेड, और इसका अपन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो करना है, सही है। अब ये 0 है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसमें हमको मेजरमेंट करने पड़ेंगे कि हाँ भाई अपने क्या मेजरमेंट्स हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है देखें, एक्स एक्सिस पे आपको कह रहा है यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ भी आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपको दे रखा है। अब इस पे हम कर्व जो है बनाते हैं। हमें ये पता है ₹5 की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड है 1, तो ये ₹5 की प्राइसेस है, इस पर क्वांटिटी डिमांडेड है 1, ठीक है ना।
₹4 की प्राइसेस पर है, दो, ये ₹4 की प्राइसेस है, ये प्राइस है और ये क्या है क्वांटिटी है। तो ₹4 की प्राइसेस पर है टू, ₹3 की प्राइसेस पर है तीन, ₹2 की प्राइसेस पर है चार और ₹1 की प्राइसेस पे है पाँच। इस तरीके से ये आपका प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आपने बनाया। अब ये जो पॉइंट्स बने आपके ए बी सी डी ई, इन सभी पॉइंट्स को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या बन गया डिमांड कर्व। सही है, तो ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। सही है, प्राइस कम हो रही है, पहले 5 था तो ये 1 था, ये 4 हुआ तो ये 2 हो गया, ये 3 हुआ तो ये 3 हो गया, ये 2 हुआ तो ये 4 हो गया, ये 1 हुआ तो ये 5 हो गया। इस तरह से डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट में जा रहा है ना, और डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसे लेफ्टवर्ड, इसे डाउनवर्ड और इसे स्लोपी बोलते हैं। ये तीन फीचर्स होते हैं, एलडीएस कहते हैं इनको, क्या लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड एंड स्लोपी है, लेफ्टवर्ड है डाउनवर्ड है और स्लोप कर रहा है। सही है, देन आगे आपको दे रखा है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है, तो ये तो आपने जस्ट डिटेल में देख लिया। अब अपन चलते हैं मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, ये फ्लैटर होता है वो अपन को पता है कि ये फ्लैटर क्यों होता है, ड्यू टू मोर क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये बात अपन यहाँ देख चुके हैं, यहाँ 5 क्वांटिटी थी, यहाँ 6 क्वांटिटी थी, यहाँ क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई 11, इसीलिए ये कर्व जो है वो फ्लैटर होता है। सही है,